बॉलीवुड में आए दिन नए एक्टर्स की एंट्री होती रहती है। अब बारी है उत्कर्ष शर्मा और ऋषिता चौहान की। उत्कर्ष जो है जाने माने फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं और ऋषिता ने कुछ फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। जी धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जीनियस फिल्म से आप बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं, आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है लोगों को कि फिल्म में एंट्री करने से पहले आप क्या कुछ कर रहे थे, क्या डैड को असिस्ट कर रहे थे, क्या पहले से ही आप फिल्मों में आना चाहते थे? जी दरअसल मैं क्या कहूँ, मेरी जो भी बचपन की यादें हैं वो शुरू ही होती हैं मेरे फिल्म करियर से, एक तरीके से कह लो, क्योंकि मुझे गदर के पहले कुछ याद ही नहीं है। गदर में मुझे चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला था जीते का, जो सनी डेओल और अमीषा जी का बच्चा होता है, एंड वो बहुत ही यादगार फिल्म रही मेरे लिए, क्योंकि उसके एक एक इंसिडेंट, एक एक स्टंट सब रियल थे। सच्ची में ट्रेन पे दौड़े थे हम सब, सच्ची पे चलते ट्रक में चढ़ाया गया था रिक्शे से, सच्ची में ब्लास्ट हो रहे थे सामने, तो बहुत ही यादगार और शॉकिंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगा जो रहा था एक बचपन का। एंड उसके बाद खैर मैं एजुकेशन में थोड़ा चला गया, एंड पर फिल्मों से नाता कभी नहीं टूटा, क्योंकि घर में तो फिल्म की बात होती थी, कोई भी फिल्म देख के आते थे तो उसी का ब्रेकडाउन करते थे, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते थे। एंड धीरे धीरे स्कूल में मुझे मौका मिला थोड़ा बहुत फिल्में बनाने का, प्लेज में एक्ट करने का, पेड़ का रोल भी मिलता था तो मैं कर लेता था। एंड पोस्ट पेड की प्रीपेड? नहीं प्रीपेड नहीं, पेड़। मस्ती कर रहा वो तो मुझे नहीं पता कौन सा पोस्ट था या प्री था, पर जो भी था पेड़ जरूर था। तो जहाँ पे भी इंटरेस्ट, क्योंकि हमेशा इसी फील्ड में रहा। एंड टेंथ खत्म होते ही पापा को असिस्ट करने का मौका मिला मुझे वीर में, बहुत ही बड़ी पिक्चर थी, बड़े एक्टर सलमान खान थे, एंड मेरे फेवरेट एक्टर्स में से वो एक थे, क्योंकि उनकी बॉडी पे तो भाई कौन फिदा नहीं है। एंड जब वो फिल्मों में आने की आपने तैयारी कर रखी थी कि फिल्म में एक दिन आना है, एक्टर बनना है, क्योंकि बचपन में भी आपने काम किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो दिमाग में था कि फिल्मों में ही आएंगे? जी फिल्मों में ही आऊँगा, किस कैपेसिटी में आऊँगा उस समय तक डिसाइडेड नहीं था, बट ये ज़रूर था कि मेरा दिल इसी में लगता है, यही एक चीज़ है जो मैं खुद को पढ़ाना चाहता हूँ, खुद को सिखाना चाहता हूँ, तो जहाँ पे शायद ये खुद से सीखने की लगन आ जाए उसी को पैशन कहते हैं, एंड इसी में मेरा दिमाग खुलता है, चलता है, तो इसी को मैं परस्यू करने लगा। इसी तरह आपने भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है, आपका सुरूर में भी आप दिखी थी, चंद और फिल्मों में दिखी थी, आपके जहन में क्या कुछ था उस वक्त, आपने सोचा था कभी कि आप एक दिन फिल्मों में एंट्री करेंगी और काम करेंगी? मेरा सपना तो था कि मुझे फिल्म्स करने हैं, और सिंस मैं बचपन से कर रही थी तो एक सपना था कि आगे जाके भी फिल्म्स में काम करना चाहती हूँ, और लेकिन मैंने बीच में ब्रेक लिया, अपने पढ़ाई पे ध्यान दी, और स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली तभी मैं अनिल सर के ऑफिस में, मुझे बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, और 3 महीने लगे फिर उनको मुझे सिलेक्ट करने के लिए, लाइक बहुत वर्कशॉप, बहुत ऑडिशंस, बहुत रिहर्सल, स्क्रीन टेस्ट बहुत हो रहे थे, और फिर जब भी फाइनली जो शूट का जो पहला दिन था, और वो शॉट में भी ऐसे ही दिखा रहे थे कि कॉलेज का भी पहला दिन है, तो मेरे लिए भी वो एक्चुअली कॉलेज का पहला दिन था। अच्छा। तो ऐसी एक जर्नी रही मेरी कि बचपन से भी काम कर रही हूँ, बीच में ब्रेक ले लिया, और फिर जब मैंने स्टार्टिंग की तो मेरी अपने कॉलेज की भी स्टार्टिंग हो गई और फिल्म करियर का भी स्टार्ट हो गया। सो या आई एम रियली ग्लैड और बहुत खुश हूँ अभी, एंड कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। सो या आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो आपका तो बचपन से फिल्मों से जुड़ाव रहा ही है, आपने भी फिल्मों में काम किया है, किस तरह की फिल्में देख कर आप लोग बड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैं तो भारतीय सिनेमा से ही जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं जानता नहीं मुझ जैसे कितने होंगे वहाँ, क्योंकि मैं हॉलीवुड फिल्में भी बहुत देखी हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स की देखी हैं, पुरानी फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक है, दिलीप कुमार साहब मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, उनकी देवदास का वो जो मोनोलॉग है, कम से कम मैंने जब भी आता है टीवी पे रिवाइंड कर करके वापस देखता हूँ। कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है वो वाला? जी जिसमें वो पूरा वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं फिर बेड पे गिरते हैं, एंड वैजंती माला उनके पीछे पीछे आती हैं, तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है। फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट है बनिस्बत मॉडर्न फिल्मों की? जी गुरुदत्त की फिल्में मुझे बहुत पसंद है, एंड राज कपूर जी का भी सिनेमा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लगता है वो शायद भारत के सबसे उमदा डायरेक्टर्स में से एक हैं, एंड जो सिनेमा हम शायद उस दशक में बनाते थे, उस समय में बनाते थे, वो भारत से बहुत जुड़ा हुआ था,
जो 70 में भी, 80 में भी, 90 में भी जो बनाते थे फिल्में, आज का जो दौर है थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं हॉलीवुड से इंस्पायर हो रहे हैं, जो अच्छा भी है, टेक्निकली हमें होना चाहिए, बट शायद कल्चरली उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल तो अभी भी हिंदुस्तानी ही है, तो वैसी ही फिल्में बननी चाहिए। जीता, आपने कौन कौन सी फिल्में देखी हैं जब आप ग्रो अप कर रही थी, कौन कौन सी हीरोइनें हैं जो आपको बेहद पसंद हैं, किसे एमुलेट करना चाहेंगी अगर मैं पूछूं ये सवाल आपसे तो? मैं एक्चुअली जब मेरी फेवरेट जो एक्ट्रेस हैं और जो मेरी इंस्पिरेशन है वो दीपिका पादुकोण हैं, और मैं भी बचपन से दोनों हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों मूवीज़ देखती थी, और मेरा हमेशा था कि जब मैं स्कूल से घर आती थी तो रोज़ एक मूवी देखना ही है, फिर बाद में पढ़ाई करो जो भी करो लेकिन मूवी देखनी है, ऐसे था मेरा। एक मूवी देखती थी आप रोज, हर रोज? पढ़ाई कब करती थी? मुझे याद उसके बाद लाइक मैं मम्मी को बोलती थी अभी कुछ मत बताना, मैं मूवी देखूंगी, फिर आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। लाइक कार्टून बहुत कम देखती थी, वैसे मूवीज देखती थी ज़्यादा, और वैसे अभी याद भी नहीं मैंने कितने मूवीज देखे हैं, लेकिन मेरा जो बचपन का जो फेवरेट है वो हमेशा लाइक बचपन से ही है फेवरेट, रोम कॉम जो मूवीज रहते हैं या फिर ना थोड़ा सा ड्रामा एंड ऑल, वो मुझे बहुत पसंद है, लाइक दिल तो पागल है या फिर कुछ कुछ होता है। और मेरा भी एक सपना रहता था फिर कि अगर मैं एक्ट्रेस बनूँ या मैं कोई भी फिल्म करूँ तो मुझे एक ऐसा गाना शूट करना है जहाँ पे यू नो ऐसे बड़े बड़े लोकेशंस हैं या फिर जो ऐसे ड्रेसेस उठ रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे ड्रेसेस पहनते हैं जो फेरी टेल वाले। हाँ, फेरी टेल वाले। एंड टू बी ऑनेस्ट सपना पूरा हुआ, मेरी पहली फिल्म में मेरा ये सपना पूरा हुआ, बिकॉज एक गाना है तुझसे कहाँ जुदा जो अभी रिलीज होगा और इसमें वैसे ही विजुअल्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ। और हाँ, वैसे ही थे सब मेरे मूवीज। अभी आपने कहा कि दीपिका पादुकोण आपकी फेवरेट है, अगर मैं कहूँ कि उनकी किसी फिल्म का एक डायलॉग अगर आप उन्हीं के अंदाज में बोल के दिखाएं, ओम शांति ओम उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक चुटकी सिंदूर की कीमत कहा था, कोई वो डायलॉग अगर आप बोल पाए या कोई और डायलॉग? एक चुटकी की सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू। कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया, औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। कुछ कुछ ऐसा लंबा लंबा डायलॉग था, वो अच्छा था, बट दैट इज आपके पापा ने भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, धर्मेंद्र के साथ काम किया है, सनी देओल के साथ काम किया है, सलमान खान के साथ काम किया है, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन रहे? आपने बता तो दिया कि क्लासिक फिल्में आप देखा करते थे, लेकिन फेवरेट एक्टर्स कौन, पापा की कौन सी फिल्म बेहद पसंद है? जी, मेरे फेवरेट कलाकारों की बात करें तो मैं 5 एक्टरों का नाम ले लेता हूँ। दिलीप कुमार साहब का तो मैंने ले ही लिया। आमिर खान मुझे बहुत पसंद है, उनका सेंस ऑफ सिनेमा मुझे बहुत पसंद है, जो एंटरटेनमेंट और कंटेंट को कंबाइन करके फिल्में बनाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, सही दिशा लगती है किसी भी एक्टर के लिए। एंड धर्म जी, मुझे लगता है उनसे रियल कोई एक्टर है ही नहीं, उनके आंसू भी रियल हैं तो हंसी भी रियल है, वो ऐसे बंदे हैं जो फेक नहीं करते एकदम एक्टिंग, वो जीते हैं उस कैरेक्टर को। उन्होंने कमर्शियल सक्सेस इतनी पाई है कि वो उनकी परफॉर्मेंसेज अंडररेटेड हो जाती हैं, बट सच्ची में वो बहुत ही जी जान से एक्टिंग करते हैं। एंड अमित जी तो खैर हैं ही, एंड शाहरुख खान सर हैं जो किंग ऑफ रोमांस। कौन से एक्टर का एक फेवरेट डायलॉग आप अभी सुनाना चाहेंगे उन्हीं के अंदाज में? जी, मैं इतने सब एक्टर्स का तो नाम मैंने ले लिया, बट एक सनी सर तो दिल में बसे ही हैं, तो उनका ही एक डायलॉग बोलूँगा कि गदर का जी, कि अगर एक कागज़ पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, और कागज़ फाड़ देते हैं। वो उतनी इंटेंसिटी पे तो यहाँ पे कर नहीं सकता, लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, बट मेरा फेवरेट डायलॉग में से एक है। ये फिल्म में नवाजुद्दीन और मिथुन दा जैसे स्टॉलवर्ड एक्टर्स भी हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ सीखा आपने नवाज से और मिथुन से? जी, नवाज सर एंड मिथुन सर जो हैं वो ऐसे कलाकार हैं जो भारत में ही विश्व भर में प्रशंसित हैं, एंड ऐसे कलाकार हैं जो मासेस एंड क्लासेस दोनों को अपील कर चुके हैं एंड करते रहे हैं। नवाज सर जो आज के समय में एकदम प्रोमिनेंट स्टार है मैं कहूँगा, एंड वो जो हैं इतनी फिल्में करने के बावजूद भी अपने कैरेक्टर पे छोटे से छोटे नुआंस पे काम करते रहते हैं, छोटे से छोटे डायलॉग पे काम करते रहते हैं। 12 घंटे अगर वो सेट पे हैं तो 12 घंटे वो उसी डायलॉग उसी नुआंस पे काम करते रहेंगे और उसे निखारते रहेंगे, तो एज अ यंग एक्टर बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे कि आप भी खुद को पुश करें एंड और बेहतर काम करें।
अच्छा, जितने सीधे साधे उत्कर्ष दिखते हैं, जितने भोले भाले, क्या उतने सीधे साधे और भोले हैं क्या उत्कर्ष? बिल्कुल है, और उसके साथ साथ वो बहुत फोकस्ड एक्टर हैं, डेडिकेटेड एक्टर हैं, और बहुत कोई कुछ नॉटीनेस नहीं है इनमें, मतलब कुछ मस्ती वस्ती नहीं करते? नॉटीनेस तो बिल्कुल है, लेकिन काम के टाइम पे वो बहुत सीरियस। ऐसी कोई नॉटीनेस इन्होंने दिखाई, कोई प्रैंक प्ले किया, कुछ बताएंगे? वैसे ये एक ऐसे हमेशा गेम खेलते थे कि तुम्हारा चश्मा नीचे गिर गया, ऐसे बोलते थे, और चैलेंज था कि नहीं देखना, लेकिन ऐसे होता है कि देख लेते, लाइक मैं कभी नहीं देखती थी, लेकिन आजू बाजू के लोग देखते थे, तो हम एक दूसरे को ये बहुत बात करते थे। और दूसरी बात है कि ये मुझे बहुत बार लात मारते हैं, लाइक अभी भी देख ये करते रहते हैं, तो ये हमेशा शूट के दौरान चलता रहता है। थोड़ा नोक झोंक से क्या होता है? नहीं, पैर टच किया, मतलब ये क्या आदत है, मतलब मैं समझाने की, ऐसा क्यों करना मुझे, उतनी बात है और कुछ नहीं। आपको इरिटेट करना मकसद है? हाँ, बस इतना ही है, लाइक वो तो वैसे इट हेल्प इन यू नो बिल्डिंग द फ्रेंडशिप एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन वैसे सो या इसके बारे में कोई फनीस्ट चीज आप बताना चाहेंगे, कोई फनी इंसिडेंट? ये तो बहुत फनी इंसिडेंट करती है, इन्होंने क्या किया, एक सीन था हमारा बड़ा इमोशनल सीन था, एंड जिसमें मैं इनकी तरफ देख नहीं रहा हूँ पर मैं इनको धक्का दे देता हूँ, तो गुस्से में था थोड़ा, तो मैंने धक्का दे दिया इनको थोड़ा जोर से, पेट पे लग गई इनके, एंड ये पीछे जाके सीधा गाड़ी से टकरा गई, गिरने वाली थी, आयशा जी ने इनको पकड़ लिया, एंड मुझे लगा कि इसको बहुत तेज़ लगी होगी जब कट हो गया सीन। सीन अच्छा हुआ तो मैं खुश था, मैं मॉनिटर पे जाके देख रहा हूँ कि हाँ अच्छा हुआ है, सही सीन हुआ है। मैं इनका चेहरा देखता हूँ, ये बहुत ही मायूस, बहुत ही गुस्से में लग रही थी, मैंने बोला अरे तुम्हें तेज़ लग गई होगी, सॉरी तेज़ से लगा, तो फिर ये बोली नहीं नहीं ठीक है, एकदम गुस्से में बोल रही है ठीक है। फिर पता लगा कि एक्चुअली ये इसलिए गुस्सा नहीं कि इसको चोट लगी, इसके जूते खराब हो गए, उसमें हील खराब हो गई, इसलिए मायूस थी, इसलिए चिड़ी हुई है। आज भी इनके अंदर वो ग्रज है, वो सप्रेस एंगर है, जब भी अभी इनके मन में बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि तुमने मेरे जूते खराब किए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और इसके लिए इसके वजह से बहुत मारा भी है इनको। वैसे देखिए ना, आंखों में गुस्सा झलक रहा है। चलिए, जाते जाते हो जाए फिल्म का कोई एक गाना, अगर आप लोग दोनों गाकर सुना सके हमारे दर्शकों को फिल्म का। एक गाना है तेरा फितूर करके, अजीत सिंह जी द्वारा गाया हुआ, जो बहुत ही अच्छा वेट है, तो आप दोनों को गाना है जी। चलिए 3 2 1। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत धन्यवाद, एंड सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।